I'm Jyoti Singh and you are watching The Learning Experience. जैसे कि आप सबको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में एंड हम सब अपने अपने घरों में कन्फाइंड हैं, तो आई थॉट कि लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम. तो मेरे घर में जितने भी पीतल के सामान थे, शो पीसेस जो भी थे, मैंने सोचा कि इनको चमकाते हैं. तो जैसे कि मेरे पास ये है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ. तो मेरे पास ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, तो इन सबको मैंने बहुत ही अच्छे से पॉलिश किया है एंड पॉलिश करने के बाद का जो रिज़ल्ट है ये ऐसे चमकते हैं, देखिए राइट. आप फर्क देख सकते हैं ये पॉलिश करने के बाद एंड ये पॉलिश से पहले, राइट. तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम ऐसा रिज़ल्ट कैसे ला सकते हैं, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये मेरे पास एक पॉलिश है जिसे कहते हैं डारा एलीट प्रोडक्ट्स. क्योंकि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे पास ये हमेशा रहता है, मेरे घर में हमेशा रहता है. और आपको ये ऑनलाइन भी मिल सकता है या फिर जहाँ पे भी एंटीक आइटम्स होते हैं, रखे जाते हैं, शो पीसेज या फिर जो घर को घर में सजाने के सामान होते हैं, वहाँ पे आपको मिल सकता है. आपको आप देखिए उसमें लिखा है डारा एलीट प्रोडक्ट्स. इसे ब्रासो भी कहते हैं, राइट. तो इसे हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लेना होता है एंड पूरे जो हमारा शो पीस है इसके ऊपर पूरा एक लेयर लगाना होता है अपने हाथों से या फिर कॉटन से एंड 10-15 मिनट के लिए छोड़ना होता है. उसके बाद इसे कपड़े से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करना होता है जिससे कि ऐसी शाइन आती है, राइट. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें ये करना कैसे है. तो आपको लेना है एक कटोरी आपका डारा एलीट प्रोडक्ट जिससे कि आप पॉलिश करने वाले हैं, एक कॉटन का कपड़ा और आपका एंटी पीस जो भी आपके पास है. आपको इसमें बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है पॉलिश का, इस लिक्विड का जिससे आप पॉलिश करने वाले हैं. आपने ले लिया है, फिर आप इसे अपने हाथों से, हाथों के टिप से इसको लीजिए और एक लेयर इस पर पूरी लगा दीजिए. जैसे हम कोई फाउंडेशन या क्रीम लगाते हैं वैसे ही ये लेयर इस पर लगाना है. आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन यूज़ कर सकते हैं, कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हैं. मैं हाथों से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इसलिए मैं हाथों से कर रही हूँ, क्योंकि आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं. आपको ये पूरे हर जगह पर करना है. आप देखेंगे कि पॉलिश होने के बाद ये एकदम चमक जाएगा. हो चुके हैं. अब मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है और हमारा शोपीस. अब आपको इससे ये अच्छे से सूख चुका है, इसमें जो लिक्विड लगाया था वो इसमें अच्छे से सूख चुका है. तो अब हमें इसे ऐसे रब करेंगे. हमें ये रब बहुत ईजली नहीं करना है, हमें रब थोड़ी ताकत लगा के करना है तभी वो शाइन आएगा. देख सकते हैं, देखिए इसकी शाइन और इसकी शाइन कितना फ़र्क है. ईगल का फेस देखिए कितना शाइन कर रहा है. पॉलिशिंग के बाद कितना इफेक्ट आ गया है, ये बाद की फोटोज, बाद की शाइन है. ये ईगल जो था देखिए शाइन आ रही है इसमें, इसमें देखिए कितनी शाइन है, इन सब में कितना ज़्यादा शाइन आ चुका है. ये आप भी ट्राई कर सकते हैं एंड फिर कमेंट्स आप शेयर करिए.